अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। और इसी उम्मीद से हम आज का ब्लॉग करते हैं जी शुरू। तो एज यू नो के भाई आपका जो है पाकिस्तान आ चुका है, ठीक है। सुबह उठा था मैं तकरीबन 12-1 बजे, जोहर की नमाज वगैरह पढ़ी है, और उसके अलावा मैंने जो है ना रात को बैग वगैरह खोले थे। तो पहले जो आप उसकी वीडियो देख लें, उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं। तो यार एक ये बैग था और एक ये बैग है, ठीक है। पहले जो हम लोगों ने सामान रखा था इस बैग में, वो दिखाता हूँ आपको मैं, जो मैंने शॉपिंग की थी। एक ये था जी चॉकलेट का डब्बा, ठीक है। एक इसमें बिस्किट थे और साथ था जी इसके ये भी बिस्किट थे, वैसे पहले मैंने दिखाया मैं आप लोगों को। और एक मेरे कज़न की जो ना सिम बॉल जब मैंने निकाली थी, क्या कहते हैं उसका नाम क्या है अपना, वो जो एक जार सा पड़ा होता है, बाहर मशीन पड़ी होती है उसमें से। तो अब जो है बड़ा बैग खोल लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये चॉकलेट के पैकेट, एक ही चॉकलेट पैकेट था। उसके अलावा ये है जी नूडल्स, एक ये टॉफीज हैं। ये मैंने खोल के डाल दी, इसमें शॉवर फट गया था इसका। उसके अलावा एक कॉफ़ी ली थी मैंने और दो छोटे छोटे कज़न हैं मेरे, उनके लिए मैंने गर्म दी थी ये वाली वाटर वाली। बस यही सब सही सामान था, बाकी मेरी बुक्स वगैरह और कपड़े वगैरह पड़े हैं। अभी जो है नाश्ते में है जी पराठे, और साथ में है जी हमारे पास ने उसके साथ ये बीफ हांडी का सालन है। ये एक मेरा छोटा सा कज़न बैठा है जिसके लिए मैं लेकर आया था जी पानी वाली गन। चाचू बैठे हैं मेरे ये। आपका नाम क्या है? नाम क्या? मोहम्मद नाफे। दांतों में क्या हुआ आपके? बिल्ली खा गई है। इस टाइम जो है दोपहर 2-3 बज रहे हैं, नाश्ता नुश्ता किया है, नहाया धोया हूँ, गर्मी जो है इंतहा की है। ये साथ जो है मेरे अम्मी वो कमरा है और नीचे मेरा कमरा, दिखाऊंगा बाद में आपको मैं। अभी चल जाके नमाज पढ़ के आते हैं जोहर की, उसके बाद आप सुनते हैं। ये एक अच्छी एक मस्जिद जो है ना वो घर के पास ही बनी हुई है, ये घर से बाहर निकलो और सामने मस्जिद। ये रोड जो है बन रही है, पहले बनी हुई थी फिर तोड़ दी क्योंकि पानी खड़ जाता है बारिश का ना यहाँ पर। ये सामने मस्जिद है, चल के नमाज वगैरह पढ़ते हैं। फिर अभी जो मैं नमाज पढ़ कर आया हूँ, ठीक है। थोड़ा टूर दूँ घर का आपको मैं। ये गिराज है, यहाँ से एंट्रेंस है। घर में सारा सेम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पानी का थोड़ा सा मसला है। ये छोटी सी गैलरी है, यहाँ पर 22 वगैरह खड़े होते हैं। ये कमरा जाचू वगैरह का, उसका जाचू वगैरह कमरा एक और है, फिर उधर स्टोर है आगे, ठीक है। ये है जी हॉल, और हॉल के साथ ही जो आपके भाई कमरा है। अभी कमरे की जो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है क्योंकि इसमें कोई रहता नहीं था पहले, खाली मेरा ही कमरा है ये। तो जो सामान वगैरह पड़ा था ना वो मतलब है कहीं रखा हुआ था, ये अलमारी वगैरह, बाकी सब ऊपर सोते हैं घर वाले जो है ना, सब ऊपर सोते हैं एसी वाले रूम में। ये कमरा जो है ना वैसे सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। ये बेड वगैरह पड़ा हुआ है, उसके अलावा ये दादा अबू की जैसे ना अलमारी थी ये, इसमें मतलब बुक्स वगैरह है उनकी। और ये भाई की वगैरह के बैग्स वगैरह पड़े हुए, माउस, ये कंप्यूटर लगाया हुआ भाई ने LCD के साथ, और ये आपके भाई का बैग पड़ा हुआ है, बाकी ये बुक्स वगैरह चीज़ें। तो ये है जी कमरा मेरा। ये जी हॉल जो पहले दिखाया था मैंने आपको, लाइट जला दी मैंने अब इसकी, वो एक रूम है, उसके अलावा ये स्टोर है, और फिर ये सहन है, सहन भी सारा सेम वगैरह लगा हुआ है। और ये दीवार जो जल्दी पुछती है हमारी, ठीक है। साथ किचन है, वो वॉशरूम है, एक वो वॉशरूम है, और ऊपर जो वहाँ कमरा है मेरे। ये हमारे हैं जी अता साहब, वो हैं जी हनी बे, ये दोनों कैरम के मास्टर और क्रिकेट के मास्टर हैं ना। गर्मी है, वो है जी अंधाधुंध, और बस चपेड़े पड़ती हैं यहाँ पर। तो मैं तो किसान ही गर्मी समझता था बहुत ज़्यादा, लेकिन जो यहाँ पर गर्मी है ना, मैं कहता हूँ साथ उफ है उफ। अभी मैं जा रहा हूँ ज़रा बाहर गेट टुगेदर है कज़न्स की, और ये जी हमारा फटपटी, तो अभी चलते हैं और वहीं जाके आपसे मिलता हूँ। जाने से पहले जो आइसक्रीम ले लेते हैं यहाँ से, इधर शॉप है तो यहाँ से जो आइसक्रीम पकड़ लेते हैं फिर चल। यहाँ पर जो आइसक्रीम वगैरह पड़ी हुई है देखते हैं, आइसक्रीम जो है वो ले लिया। और जो प्राइसेस है ना आइसक्रीम की, मैं कहता हूँ
450 की मिली है, किसी दौर में ये 120-150 की मिलती थी। ये जो ये बच्चा है ना, ये बच्चा, इसके लिए मैं चीज़ें लेकर आया था, वो गन। इस बंदे ने मेरे से गन ली है और फिर सलाम दो ही नहीं है इसकी मेरे से कोई। नाम किधर हो, नाम क्या आपका, नाम क्या है, नाम क्या है? ये है जी मोहम्मद हैदर, देख कैसे रहे। तेरे घर में आपको आ गया था और अभी जो सो के उठा हूँ और इसी से नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।